और दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। नियंत्रण से संबंधित कई अहम ऑर्डर जो है उन्होंने जारी किया। ऑर्डर आने के बाद काफी डिटेल में ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद हमने चर्चा की और आज उस ऑर्डर को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने संबंधित माननीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कई निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद और दिल्ली सरकार के कैबिनेट के निर्णय के पश्चात दिल्ली में लगाए गए कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर को डीपीसीसी के चेयरमैन द्वारा मनमाने तरीके से बंद कर दिया गया था, उसको खोलने का निर्देश दिया। साथ ही साथ डीपीसीसी के चेयरमैन के द्वारा रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी जो सरकार के द्वारा शुरू की गई थी उसको भी ठप कर दिया गया था, उसको भी पुनः चालू करने का और रियल टाइम डेटा जो है पब्लिक करने का जो ऑर्डर दिया है इसके लिए तहे दिल से दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार है, उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते से हम केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे, मैंने पत्र भी लिखा पर्यावरण मंत्री जी को कि चूंकि जो आज प्रदूषण की स्थिति है पूरे उत्तर भारत की है और जब तक ये पांचों राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से अपनी कार्ययोजना को बनाने में और उस कार्ययोजना को जमीनी हकीकत पहुंचाने में सक्रिय नहीं होंगे तब तक प्रदूषण की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करना काफी कठिन काम है। दिल्ली के अंदर हम लगातार ग्रैप वन हो, ग्रैप टू हो, ग्रैप थ्री हो, ग्रैप फोर हो, सभी ग्रैप के नियमों को सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ सभी सरकारें जिस तरह से उदासीन और निष्क्रियता के साथ हाथ पे हाथ रख करके बैठी हैं और जिस तरह से सेंटर गवर्नमेंट चुप्पी साध करके अपने जिम्मेदारी से पीछे हटा हुआ था, मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इनकी संयुक्त बैठकें होंगी और सभी राज्यों में इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस किया जाएगा। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिवाली आने वाली है, दिवाली के लिए पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली में लगाया गया। पिछले एक महीने से निरंतर इस बात के लिए मैं जोर दे रहा हूं कि जो हमारे चारों तरफ जो राज्य हैं वहां पर पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन कोई न सुनने को तैयार है न कोई बोलने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए प्रदूषण कोई मायने नहीं रखता है। उनका एक ही फार्मूला है, बयानबाजी फार्मूला। सुबह उठते हैं, एक प्रेस नोट जारी करते हैं और प्रदूषण उनका कम हो जाता है। CAQM ग्रेप वन बनाता रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बनाता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्री का ऑर्डर जारी करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर का ऑर्डर जारी कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वन लागू हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही थी, टू हुआ तब भी बयानबाजी कर रही थी, थ्री हुआ तब भी बयानबाजी कर रही थी, फोर हुआ तब भी बयानबाजी कर रही थी। बयानबाजी से वो केवल प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस समय पता ही नहीं चल रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है देश के अंदर और उसकी भी इस देश के प्रदूषण के प्रति कोई जिम्मेदारी है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह क्लियर किया कि ये जो पटाखों पे प्रतिबंध है उसको पूरे देश के लिए है और सभी लोग इसको लागू करें। मुझे लगता है कि शायद हमारी अपील का, हमारे निवेदन का तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के शायद इस निर्देश का असर होगा और कम से कम जो इस
विपरीत जो मौसम की स्थिति है, हवा की जो स्थिति है, इसमें शायद जो दिवाली का एक खतरा मंडरा रहा है कि उस समय स्थिति और खतरनाक ना हो, शायद इससे हमें थोड़ी सी जो है वो सहूलियत जो है वो शायद हमें मिल पाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी नोट किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया था कि एनसीआर के राज्यों को कि जो अलग अलग गाड़ियां हैं जो अलग अलग फ्यूल पे चलती हैं उनको स्टिकर उन पे लगाया जाए। उन्होंने कल रिमार्क दिया कि दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इस टास्क को पूरा किया, किसी और राज्य ने इसको भी नहीं लागू करना जरूरी समझा, केवल अकेला दिल्ली ने जो है अकेला दिल्ली राज्य है जिसने जो है इस टास्क को जो है पूरा किया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग दिल्ली सरकार के लिए निर्देश दिए थे उनमें से आज बैठक करके हमने निर्देश जारी किया है। उसके ऑर्डर के अनुकूल हमने पहला ऑर्डर जारी किया है कि कल तक फुल स्मॉग टावर जो है फुल कैपेसिटी में उनको स्टार्ट किया जाए। डीपीसीसी को यह निर्देश दिया गया है। उसी तरह से रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को किसी भी कीमत पर कल तक जो है उनका पेमेंट करके और उसको कल तक उसको चालू किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दिया था कि इस समय खासतौर से जो लोकल जो आग की घटनाएं होती हैं, बायोमास बर्निंग की घटनाएं होती हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। उसके लिए आज एमसी और रेवेन्यू विभाग की 611 टीमें बनाई गई हैं और उनको कल से जो है स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है, एंटी ओपन बर्निंग ड्राइव चलाने का, जिससे कि लोकल लेवल पे दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे जगहों पे आग लगने की घटनाएं हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। 611 टीमें। उसके साथ साथ जो कोर्ट ने दिल्ली के लिए कहा है कि जो ऐप बेस जो ऐप बेस जो रजिस्ट्रेशंस हैं उनमें जो बाहर के स्टेट से जो टैक्सियां आती हैं उनको बैन लगाया जाए। ट्रांसपोर्ट विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी ऐप बेस बाहर से टैक्सियां यहां पर आती हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ऑड इवन को लेकर के ऑब्जर्वेशन जो एमएस क्यूरी की तरफ से रखा गया था उसको ऑर्डर में उन्होंने दिया है कि ऑड इवन को लेकर के अब तक स्टडीज क्या कहती हैं। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे पास दो बड़ी स्टडीज हुई हैं ऑड इवन पे, एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो विश्वविद्यालय ने ज्वाइंट स्टडी की थी ऑड इवन को लेकर के, और दूसरा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU ने स्टडी की थी। तो इन दोनों की जो स्टडीज रिपोर्ट हैं वो भी हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको हम सबमिट करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो स्टडीज हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इसके जगह पे उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा है कि जो ये स्टिकर डीजल पे जो स्टिकर वाले जो ऑरेंज कलर की जो टैक्सी हैं उनको बंद करने के लिए, तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए दिया है कि एग्जैक्ट कितने नंबर हैं जो ऑरेंज कलर की जो टैक्सीज हैं उसमें BS3 और BS4 की जो बहुत सारी जो BS4 की जो डीजल की जो गाड़ियां हैं ऑलरेडी बैन हैं ग्रैब के थ्रू, उसके बाद BS6 की कितनी गाड़ियां बचती हैं, और दूसरा जो है कि अगर केवल उन गाड़ियों को बंद किया जाता है और ऑड इवन लागू किया जाता है तो उनमें क्या अंतर होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो वो एक कंप्रिहेंसिव जो है रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा गया वो स्टडी करके
और वो कोर्ट में जो है वो सबमिट करेंगे। जो ऑड इवन को लेकर के 13 तारीख से जो हम ऑड इवन करने का जो हमने निर्णय लिया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हम सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम उसको लेकर के एलजी साहब को सबमिट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद हम फिर इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन सर? अभी ये अभी क्योंकि सर दिल्ली वालों को ये जानकारी देनी जरूरी है क्योंकि वो भी अपनी तैयारी करेंगे, उन्हें भी गाड़ी लेके निकलना है, क्या उन्हें जानकारी दें कि ऑड इवन फिलहाल 13 तारीख से होगा या नहीं होगा? 13 तारीख से जो ऑड इवन जो होने के लिए निर्णय सरकार ने लिया है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में हम इस जो उन्होंने हमें निर्देश दिया है वो एफिडेविट हम उनको फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या अभी बोर्ड पर मानेंगे? अभी फ्राइडे परसों है वहाँ पे सुनवाई। अच्छा सोमवार, तो सोमवार के बाद फैसला, लेकिन अभी सोमवार फ्राइडे माफ कीजिएगा शुक्रवार को है सुनवाई। अच्छा, तो फैसला भी शुक्रवार के बाद ही होगा? यस, अभी तक वो है, अभी है, मतलब अभी उसके बाद सर। ऐप बेस्ड जो आप बता रहे हैं टैक्सियां आएंगी, तो क्या ओला उबर जो जिस तरीके की चल रही है सर, जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड है वो दिल्ली में एंटर कर पाएगी कि नहीं सर? जो बाहर जो जो कोर्ट का जो आदेश है वही है कि ऐप बेस जो दिल्ली से जो रजिस्टर्ड हैं उसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि वो उसके लिए डायरेक्शन जारी करें। मतलब दिल्ली में बड़ी संख्या में यूपी हरियाणा नंबर्स के उबर ओला की गाड़ियां चलती हैं, वो फिलहाल बैन, वो रुक जाए, आज से बैन लागू है वो? नहीं, वो डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन जारी करेंगे। सर ये बता दीजिए कि ऑड इवन पर भी आपने मीटिंग की थी, तो क्या अभी ऑड इवन के नियम क्या होंगे इस पे चर्चा हो गई है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के? तो दिल्ली सरकार लगातार कोशिशें कर रही है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।